अराउंड राउट्स लो की। तो हमने इससे पहले हेनरीज लो पढ़ा, हमने इससे पहले डाल्टन्स लो पढ़ा। डाल्टन्स लो हर एक जगह लगता है, भले वो वेपर हो या गैस हो, लेकिन हेनरीज लो किसके लिए लगता है? सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लगता है, यानी गैस लिक्विड सिस्टम। इज दैट क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसा जो लिक्विड वेपर सिस्टम है, यानी लिक्विड वेपर सिस्टम के लिए हम चाहते हैं राउट्स लो। तो दोनों में, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, मैं एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ आपको। देखिए, डाल्टन्स किसके लिए लगता है? सिर्फ ऊपर जो है, यानी लिक्विड फेज के ऊपर जो है, उसी के ऊपर कमेंट करता है कि प्रेशर क्या होगा, और वो गैस हो या वेपर हो, कोई चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेनरी कहाँ लगता है? ऊपर जो सिस्टम है उसका नीचे की तरफ, यानी लिक्विड की तरफ, उसमें क्या कंपोजिशन है, उन दोनों का रिलेशंस। लेकिन जो सब्सटेंस है ऊपर की तरफ और पानी के अंदर, यानी कि लिक्विड के अंदर, वो गैस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? गैस। तो यहां लगता है आपका हेनरीज लॉ। इज दैट क्लियर? अब थर्ड, राउट्स कहां लगता है? राउट्स लगता है गैस के लिए नहीं, वेपर का, और उसी की वेपर का कंपोजिशन उसके लिक्विड फेज में। इज दैट क्लियर? तो तीनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, एक लिक्विड वेपर सिस्टम, एक गैस लिक्विड सिस्टम, और एक हमारे पास लगेगा कहां पर, उसे कोई मतलब नहीं है लिक्विड का, उसे सिर्फ ऊपर जो कंपोजिशन है, भले वो वेपर हो या गैस हो, उसके लिए सिस्टम। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ को बहुत प्यार से समझ लीजिएगा, ये एक ऐसा रूल है जो आपको किसी भी कंटेंट का या सब्सटेंस का लिक्विड और वेपर में कंपोजिशन में रिलेशंस बताता है, ठीक है? यानी लिक्विड का वेपर में, जबकि डाल्टन क्या होता है? वेपर का वेपर में या गैस का गैस में। और हेनरी किसका बताता है? लिक्विड का, लिक्विड के अंदर जो गैस है उसका ऊपर की तरफ गैस में। तो चलिए राउट्स को पहले डेफिनेशन लिखे, उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, खास तौर पे ये कॉन्सेप्ट ये लेके डिजाइन किया है कि हमारे पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जल्दी जल्दी लिखते जाए, मेरे साथ बनाएंगे भी। एक लिक्विड ये दिख रहा है बिल्कुल, और एक और लिक्विड आप बनाएंगे। ये दोनों लिक्विड ऐसे होने चाहिए जो कि वॉलेटाइल होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक तो वॉलेटाइल होना चाहिए। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों ही वॉलेटाइल है, और जब दोनों ही वॉलेटाइल है तो दोनों ही वेपर बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो मान लीजिए ये इसकी वेपर बन रही है एक लिक्विड की, और मान लीजिए दूसरे की भी वेपर बन रही है। ये देखिए, दूसरे की बन गई, बन गई, बन गई, बन गई, बन गई, ये देखो, हाँ हो गया। तो जब आपके पास दोनों की ही वेपर बन चुकी है, तो अब आपके पास क्या हो गया? यहां कितने सब्सटेंस है? दो। वो कहां पर है? लिक्विड में भी है। वो कहां पर है? वेपर में भी है। तो जब कंपोजिशन दो जगह हो, तो दोनों ही कंपोजिशन क्या सेम कंपोजिशन होंगे? जो रेशियो ऊपर है वही नीचे होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूं, यानी ऊपर जो मैं प्रेशर मोल फ्रैक्चर ले रहा हूं, वो ले रहा हूं वाई ए वाई बी, यानी ए और बी का, और नीचे की तरफ जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं एक्स ए एक्स बी। तो ये हमारे पास है एक्स ए एक्स बी, यानी ऊपर कंपोजिशन और नीचे कंपोजिशन सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो मैं आसान भाषा में क्या कहना चाह रहा हूँ, वाई ए की वैल्यू एक्स ए के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर वाई ए की वैल्यू एक्स ए के बराबर है तो 100% वाई बी भी एक्स बी के बराबर होगा। बताओ कैसे? क्योंकि एक्स बी की वैल्यू क्या होती है? 1 - y a, और वाई बी की वैल्यू क्या होती है? 1 - y a। तो दोनों बराबर हो गई। अगर वाई ए एक्स ए के बराबर है तो दोनों भी आपस में होंगे। तो ये किसने दिया था? ये मैंने दिया था, राउट्स ने नहीं दिया है। तो राउट्स ने क्या दिया है? राउट्स ने ये कहा है कि एक्स ए और वाई ए में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बता रहा है। बताओ, यानी लिक्विड का सीधा किससे बता रहा है? वो वेपर में। और किस तरह से बता रहा है? सुनो, उसने कहा पी टोटल जो हो रहा है ऊपर, पी टोटल जो हो रहा है वो पी ए प्लस पी बी ए। ये किसने बताया? ये तो राउट्स ने नहीं बताया। ये किसने बताया? डाल्टन्स ने बताया। ये किसने बताया? डाल्टन्स ने। तो राउट्स ने क्या बताया अभी तक हमारे को? राउट्स ये कह रहा है कि जो पी ए की वैल्यू है, यानी कि वेपर में जो प्रेशर है, उसके ऊपर कमेंट कर रहा है। किससे? वेपर में नहीं, लिक्विड में से। और उसने बताया एक्स ए के प्रोपोर्शनेट है, यानी ये चीज किसने बताई? किसने बताई? राउट्स ने। और जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी ए नॉट एक्स ए। या सुनो, ये राउट्स ने बताया आपको। और पीबी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनेट बताई उसने? एक्स बी के। और जब ये हटेगा प्रोपोर्शनल, तो पीबी की वैल्यू किसके निकल जाएगी? पीबी नॉट एक्स बी। या सुनो, और राउट्स क्या ये तो राउट्स ने बताया आपको, बिल्कुल। ये राउट्स लिखी है, जिसने जो बताया उसका नाम भी लिखना है, उसको इज्जत देनी है। राउट्स लो। तो यहां हमारे पास राउट्स लो हो गया। या सुनो, तो जब राउट्स लो की बात हमारे पास हो गई है, तो एक और हमारे पास डाल्टन्स की भी बात हो सकती है। डाल्टन्स पीए को कैसे डिफाइन करता था? सोचो एक मिनट, पीए को कैसे डिफाइन करता था?
पीए को डिफाइन करने के लिए उसके पास क्या था रूल, उसने बोला पीए इक्वल टू एक्स ए पी, एक्स ए पी टोटल, उसके लिए कांस्टेंट पी टोटल होता था और पी बी की वैल्यू क्या होता था एक्स बी पी टोटल, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता था। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि वो मोल फ्रैक्शन वेपर वाला लेता था, अब वो मोल फ्रैक्शन वेपर वाला क्या हो सकता है वाई से रिप्रेजेंट कर रखा है, आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो यहां मैंने वाई से क्यों रिप्रेजेंट करा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्स से ये रिप्रेजेंट कर चुका था कंपोजिशन, तो मजबूरी में मुझे वहां क्या यूज करना पड़ेगा वाई, अगर इनकी बात नहीं कर रही होती तो मैं उसी को मोल फ्रैक्शन एक्स से एक्स भी ले लेता। जनरली मैं पहली जो वेरिएबल लेता हूँ वो एक्स से लेता हूँ, सेकेंड लेता हूँ वो वाई वगैरह और थर्ड लेता हूँ तो जेड लेता हूँ, इसलिए ऐसा चल रहा है। तो इसका मतलब आपने मुझसे क्या सीखा है, यहाँ पर आपने मुझसे ये सीखा है कि P टोटल की वैल्यू ये भी हो सकती है कि आप पी ए प्लस पी बी यानी डाल्टन और राउट्स को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं और आपके पास आ जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, वेयर 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 एक्स ए एक्स बी क्या है, जल्दी से बोलो एक्स ए एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, लिक्विड या वेपर, बिल्कुल सही है, एक्स ए एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन इन लिक्विड फेज, बिल्कुल सही है लिक्विड फेज। ये बात हमारे को किसने कहा, राउट्स ने, और डाल्टन्स ने कहा पी टोटल इज इक्वल टू, उसका कहना तो यही था पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी की वैल्यू आपके पास जो दिया उसने, उसने यही कहा पी ए की वैल्यू एक्स ए नहीं, यहां क्या लिया है वाई ए प्लस पी टोटल, वाई बी प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। तो क्या हम दोनों ही रूल्स को देख सकते हैं, हाँ दोनों ही पी ए को डिफाइन करते हैं लेकिन अलग अलग लेकर, दोनों अलग अलग कंपोजिशन लेते हैं, एक लिक्विड में उनका कंपोजिशन देखता है एक वेपर में देखता है, तो जब लिक्विड में देखता है तब कॉन्स्टेंट क्या आता है उसके साथ पी पी, बिल्कुल पी नोट, बिल्कुल सही का पी नोट, और जब वेपर में देते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है पी टोटल। बस इस बात का ध्यान रख लो, क्या ये दोनों ही अलग अलग प्रेशर की वैल्यू होगी पी ए पी ए की, नहीं एक ही होगी, सेम होगी, क्यों, क्योंकि ओवरऑल तो पी ए को ही बोल रहे हैं अपन, तो इसका मतलब क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी, हाँ भाई हाँ, तो बाय डाल्टन्स एंड राउट्स कंबाइंड रो, बाय डाल्टन्स एंड राउट्स एंड डाल्टन्स लो आप क्या लिख सकते हैं इस जगह, पी ए की वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे, पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू जल्दी से बोलो पी टोटल वाई ए, और पी बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल वाई बी। क्या आपको समझ में आ रहा है, वाई बी आएगा यहां पर, यहां क्या आएगा एक्स बी, तो दोनों ही चीजें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, इज दैट क्लियर। अब मेरे पास क्या रहा है कि मेरे को बोर्ड के एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखनी है, तो चलिए एक बार बोर्ड की डेफिनेशन भी देखते हैं। देखिए हमने ये सब कुछ लिखा, हमारे को ये डेफिनेशंस लिखनी है बोर्ड में, राउट्स क्या कहता है एक तरह से, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी का मतलब दो, बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ टू लिक्विड्स, टू वोलेटाइल लिक्विड्स, लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, यस वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज लीनियरली प्रोपोर्शनल का मतलब y प्रोपोर्शनल x टाइप, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू कंपोजिशंस, या कंपोजिशन की जगह आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज, बिल्कुल सही है लिक्विड फेज में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कहीं ना कहीं
आप समझ ही चुके होंगे कि पी ए किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए, और यहाँ पी ए क्या है आपके पास, प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। लिखते जाएं जल्दी, प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज। देखो प्रेशर हमेशा वेपर या गैस ही लगाती है, और एक्स ए क्या है यहां पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। अब यहां कुछ बातें साफ आ रही है, अगर एक्स ए की वैल्यू वन है, एक्स ए की वैल्यू वन है, इसका मतलब लिक्विड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए ही है, समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलोगे आप, प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए यही बोलोगे। और जब प्योर लिक्विड ए बोलोगे तो इस जगह आपके पास जो पी ए होगा, क्या होगा ये पी ए, वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए नॉट के। तो पी ए नॉट इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फेस, प्योर का मतलब मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तो पी ए नॉट की डेफिनेशन क्या बनेगी आपके पास, यहां पर पी ए नॉट की डेफिनेशन भी बन गई, इट इज ए वेपर प्रेशर, मेरे साथ ही लिखें इसको, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर प्योर लिक्विड, प्योर फेज या लिक्विड आप बोल सकते हो। दूसरा कंपोनेंट क्या हो रहा है कि हो सकता है एक्स ए की वैल्यू इस जगह जीरो हो जाए, तो जब एक्स ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इस जगह पी ए की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। यानी अगर कोई लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड का कंपोजिशन ही नहीं है तो वो वेपर भी नहीं, में भी नहीं होगा। इसका मतलब ये, इट मींस, लिखते जाएं जल्दी से, इट मींस इफ पी ए इज, एक्स ए इज जीरो, देन प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज जीरो। तो जब भी कोई वोलेटाइल लिक्विड होगा तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट लिक्विड में होना जरूरी है। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कुछ कोई वोलेटाइल वेपर का पार्ट होगा तो कुछ ना कुछ उसका लिक्विड में भी होना जरूरी है, वो फ्रैक्शन भले ही 0.00001 ही क्यों ना हो, लेकिन होगा। ये थ्योरिटिकल किसने बताया हमारे को, राउट्स ने। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ दो बातें हो सकती है, हो सकता है कि राउट्स 100% ना लगे, ना लगे मत बोल लो, तो हम उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलने लग जाएंगे, लेकिन डाल्टन तो हमेशा लगेगा, तो डाल्टन हमेशा लग रहा है, राउट्स लगे या ना लगे दो बातें हो सकती है। यानी आपने जब पी ए की वैल्यू डाल्टन से निकाली, ठीक है, और राउट से निकाली, दोनों बराबर आ गई, आइडियल सॉल्यूशन नहीं आ रही है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इस तरह से बताएंगे। तो दोनों अलग अलग तरह से पीए को डिफाइन कर रहे हैं, और अभी हम जब पढ़ रहे हैं शुरुआत में, तो दोनों ही हमारे लिए क्या होंगे, बराबर लेके चलना है। देखिए राउट्स के यहां हमने जैसे ही ये दो पॉइंट्स लिखे हैं, तो राउट्स के साथ कुछ की पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और लिखना भी पड़ेगा। फर्स्ट की पॉइंट, देखिए बहुत सी बार ऐसा मैंने देखा है कि पी ए नोट की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी, पी ए नोट, पी बी नोट। जैसे अगर कोई आपके पास बोला जा रहा है एट द बॉइलिंग पॉइंट, एट द बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइल कर रहा होता है तो जो भी कंपोनेंट बॉइल कर रहा होता है उसके लिए प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 atm, यानी 762। और अगर वो सिंगल कंपोनेंट है, इफ एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो उस जगह पी ए की वैल्यू पी ए नोट के बराबर होगी, और वो कितने के बराबर होगी, 1 atm के बराबर होगी। ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बॉयल करता है तो कोई भी चीज तभी बॉयल होती है रूम टेम्प, ये अर्थ सरफेस पे, जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो, एटीएम प्रेशर के बराबर। अगर बॉयल बराबर से कम है, यानी थोड़ा सा भी कम है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कम है, तो फिर वो बॉयल नहीं करेगा, और वो वेपर तो बनेगी लेकिन वो बॉयल नहीं करेगा, इज दैट क्लियर। और उस जगह हम फिर पी ए नोट के बराबर नहीं रख सकते, आ रहा है कुछ बातें समझने के लिए, तो हम 1 atm के बराबर नहीं रख सकते, पी ए को
समझ रहे, तो 1 ATM से तो कम होगा। यानी एक दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी ओपन सिस्टम के अंदर आप वेपर को 1 ATM से ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगे। क्लोज के अंदर ले जा सकते हैं, क्लोज में तो आप कितना ही ATM ले जा सकते हैं, लेकिन 1 ATM से ज़्यादा ले जाएंगे तो क्या होगा, वो वेपर तो फटाफट उड़ जाएगी, बाहर चल जाएगी। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्लोज के सिस्टम वेपर प्रेशर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1A इन ओपन सिस्टम। बिल्कुल, तो सेकेंड पॉइंट हमारे लिए हो रहा है इन ओपन सिस्टम, लिखते जाए मेरे साथ, इन ओपन सिस्टम द वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 ATM प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। मतलब किसी और प्लानेट की बात नहीं कर रहा, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास इंतजार कर रहे हैं। देखिए, एक और की पॉइंट है हमारे पास जो हमें ये बताता है रिलेशन बिटवीन, क्या बताएगा यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, वो ये है रिलेशंस बिटवीन एक्स ए एंड वाई ए, इनके बीच में क्या रिलेशंस होगा। अगर हम एक्स ए और वाई ए के बीच में रिलेशंस बनाना चाहें तो हम ये रिलेशंस होगा हमारे लिए, हम जानते हैं पी ए इक्वल टू क्या होता है, दोनों को एक साथ लिखते हैं, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट इज इक्वल टू वाई ए पी टोटल, बोलो यस और नो। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, तो जब आप इन दोनों में लिख रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वाई ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी टोटल, इज दैट क्लियर, होगा या नहीं होगा। और यहां पर एक और चीज हो जाएगी, एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। बिल्कुल नहीं, ये हमेशा लगेगा, इसके लिए 1 ATM होना जरूरी नहीं है, यहाँ ऐसा कहीं कुछ मैंने मेंशन नहीं किया 1 ATM भी जरूरत है, वो तो 1 ATM होने पर आपके लिए पी ए नोट की वैल्यू 1 ATM, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे वन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा अगर पी ए नोट की वैल्यू 1 आ रही है तो वो अब अलग पॉइंट है, इस ये अलग पॉइंट है, इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। तो ये आपके पास वाई ए हो गया रिलेशंस, इज दैट क्लियर। एक और चीज हमारे पास आ रही है, जैसे वाई ए आ रहा है वैसे वाई बी भी निकाल सकते हो, वाई बी क्या होगा, एक्स बी पी बी पी ए नॉट अपॉन, नहीं यहां पर क्या आएगा, पी बी नॉट अपॉन एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, यस और नो, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। तीसरा रिजल्ट भी आ रहा है आपका, वेट एंड वॉच, तीसरा रिजल्ट आ रहा है आपके पास इस जगह कि अगर आपको एक्स ए एक्स बी का रेशियो दिया जा रहा है और वाई ए वाई बी का पूछा जा रहा है रेशियो में, तो वाई ए अपॉन वाई बी इज एक्स ए अपॉन एक्स बी, क्या ये सही है, नहीं, इसके साथ एक और मल्टीप्लाई होगा पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट, ये भी मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रही है बात, चलिए ठीक है। तो ये आप लिखिए जल्दी से, और साथ में अगर मैं आपसे कुछ अलग ही तरह का क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप और भी इनसे मिलता जुलता रिजल्ट बना सकते हैं, हाँ, तो एक और रिजल्ट है हमारे पास थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का जो हम यूज करें, आप पहले भी लिख सकते हो राउट्स के पी ए पी टोटल की वैल्यू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, बोलो यस और नो, लिख चुके हो। अब इसमें एक्स ए एक्स बी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वाई ए वाई बी हो, तो मैं क्या करने वाला हूँ पी टोटल की जगह, देखिए बहुत आसानी से मैं कुछ इसके साथ चेंजेज कर दूंगा, आप देखते जाए। तो बताइए एक्स ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, बिल्कुल मैं यहाँ पर वही चेंज करने वाला हूँ कि मैं पी टोटल एक्स ए को वाई ए की फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ। तो जब आप एक्स ए को वाई ए की फॉर्मेट में ला रहे हैं, लाइए लाके देखिए और फिर बताइए क्या रिजल्ट्स बनेगा जल्दी से। देखिए मैंने एक और डेरिवेशंस डेराइव किया है, किस किस के चीज के बीच में बताया जा रहा है, अभी तक मेरे पास पी ए नोट पी बी नोट जो थे वो एक्स ए एक्स बी यानी कि लिक्विड फेस वाले कंपोजिशन थे, मैं चाह रहा हूँ कंपोजिशन वेपर फेस के साथ जो वाई ए वाई बी है उसके साथ क्या रिलेशन बनेगा, किसका, पी टोटल का, और यूज करना है पी ए पी बी नोट का। तो कैसे किया, क्या राउट्स लो, ये इक्वेशन जो आ रही है ये किसको बता रही है, राउट्स लो को, ध्यान से देखो, क्या एक्स बी की वैल्यू में यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू जो है वो 1 माइनस एक्स से लिख देता हूँ,
लिख दूंगा। अगर मैंने यहां पर 1 माइनस एक्स ए लिखा, क्या लिखा, 1 माइनस एक्स ए, तो जैसे ही मैंने यहां 1 माइनस एक्स ए लिखा, जैसे ही मैंने यहां 1 माइनस एक्स ए लिखा, तो यहां 1 माइनस एक्स ए होगा। मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, बोलो क्लियर है, यस और नो? तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, और ये तो हम पहले से ही जानते हैं, कंबाइंड रूल्स वी नो। तो ये हम कहाँ से लाए, पहले से ही हम जानते हैं, हम पहले ही से ही पढ़ रहे हैं, बहुत देर हो गई हमारे को पढ़ते हुए, तो ये हमने वी नो करके लिख दिया, यस और नो? अब एक्स ए की वैल्यू को उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो पी टोटल इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टोटल वाई ए अपॉन पी पी नॉट ए या पी ए नॉट, और ये हमारे पास दिस पी, बाकी रिमाइंडर सेम रहेगा। नेक्स्ट, अब अपन ने क्या करा, थ्रू आउट द इक्वेशंस पी टोटल का डिवाइड किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन, यहाँ वाई ए अपॉन पी ए नॉट, ये पी टोटल का क्रॉस हो जाएगा, यहाँ तक रहा पी बी नॉट अपॉन पी टोटल आ गया। अब क्या किया, ये वाला पार्ट जो है मैं उस तरफ ले गया, नहीं ये वाला पार्ट मैं उस तरफ ले गया, ठीक है? तो यहाँ हमारे पास बचा पी बी नॉट अपॉन पी टोटल, क्या बचा, पी बी नॉट अपॉन पी टोटल। तो जब मेरे पास पी बी नॉट और ये वाला पार्ट उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस। तो कहने के लिए अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक लाइन और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, ये मैं इस तरफ आ गया वन माइनस दिस, बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? अब इस पीबी नोट को मैं नीचे लेके आ गया, ठीक है? तो यहां वन आएगा, यहां पीबी नोट आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, पीबी नोट, आ रही है बात समझ में? अब ये पी बी नोट आ गया, तो बस ये ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, खोल दिया। तो जैसे ही खोलूंगा तो एक बार ये क्रॉस हो जाएगा, एक बार ये क्रॉस हो जाएगा, तो वन माइनस पी ए नोट, वन माइनस पी बी नोट। तो ये इक्वेशंस अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये बताती है कि अगर आपके पास सीधा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वाई ए दिया हुआ है और पी एम पी बी नोट दिए हुए, तो आप डायरेक्ट पी टोटल कैसे बताएंगे, इज दैट क्लियर? या तो डाल्टन्स के लिए तो वाई ए चाहिए, और आपको क्या चाहिए रहता, आपको क्या चाहिए रहता उसके लिए, वाई ए, और आप जब डाल्टन से शो करते हो तो नहीं कर पाते एकदम से कि पी टोटल कैसे निकालें, क्योंकि पी टोटल की वैल्यू क्या होती है, पी टोटल की वैल्यू होती है वहां पर एक तरह से देखा जाए तो, आप बताएं क्या होती है जल्दी से, पी ए प्लस पी बी होती है, यानी आपके पास हो जाएगा वहां पर पी ए प्लस पी बी। तो ये दिक्कत होती थी हमारे को डाल्टन्स में कि हम नहीं बता पा रहे थे, अब राउट्स को भी हमने कम साथ ले लिया और हमें पी ए नोट पी बी नोट दिए हुए हैं तो हम आराम से बता सकते हैं, आ रही है कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशंस आपको डायरेक्ट पी टोटल के बारे में बता रही है, जबकि आपको सिर्फ एक ही कंपोजिशन दे रखा है वाई ए मोल फ्रैक्शंस, और दूसरी चीज़ दे रखी है पी ए नोट पी बी नोट। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम अलग अलग जगह करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल तो ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर राउट्स का एक और एक्सटेंड करने वाले हैं, और वो ये है कि अभी तक हमने दोनों ही कंपोनेंट क्या पढ़े हैं, जल्दी से बोलो, वोलेटाइल। अगर एक भी कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो गया तो फिर क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पर केस स्टडी हो रहे हैं, केस स्टडी किसकी हो रही है, जल्दी से बोलो, यहाँ केस स्टडी हो रही है इन द बाइनरी मिक्सचर, इन द बाइनरी मिक्सचर, इन द बाइनरी मिक्सचर इफ वन सब्सटेंस, लिखते जाए मेरे साथ, इज वोलेटाइल, वोलेटाइल एंड अदर इज नॉन वोलेटाइल, इज नॉन वोलेटाइल। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से सब्सटेंस वोलेटाइल होते हैं और कौन से नॉन वोलेटाइल, तो मैं आपको और लिक्विड भी हो ये भी जरूरी है, तो ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड के लिए हम बात करेंगे, वोलेटाइल लिक्विड, लिक्विड इसके एग्जांपल है आपके पास, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है H2O, और दूसरा है हमारे पास ROH एल्कोहल, ये काफी अच्छे एग्जाम्पल हैं जो आपको वोलेटाइल लिक्विड के लिए बता रहे हैं, और ईथर ROR, इज दैट क्लियर? अब नॉन वोलेटाइल की बात समझते हैं, ये तो वोलेटाइल हो गया, नॉन वोलेटाइल कौन से हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल लिक्विड कौन से होंगे, जो लिक्विड तो हैं लेकिन उनकी वेपर नहीं बनती है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लिसरीन, इनमें इतने सारे OH हैं कि इतना सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है कि वो फिर क्या होती है, उसकी वेपर रूम टेम्परेचर पे तो नहीं बन पाती। आप घर में ग्लिसरीन भर के रखिए, 10 दिन बाद देखेंगे वही भरी रहेगी, 20 दिन बाद देखिए वही भरनी रहेगी, या
उसकी वेपर इतनी कम बनती है कि वो दिख नहीं रही है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड में आपके पास क्या आ जाएगा, जनरली मैं ग्लूकोज को तो चलो ले लेता हूँ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को नहीं लिख रहा, ग्लूकोज को तो मैं एक बार यहीं लिखूंगा ऊपर, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत तो बनती है, भले ही कम बनती है। ग्लूकोज को मैं ऊपर ले लूंगा और फ्रुक्टोज को भी ऊपर ले लूंगा, लेकिन सुक्रोज को मैं नीचे लूंगा, सुक्रोज हमेशा नीचे आएगा, ठीक है ना? नॉन वोलेटाइल में और कौन आ सकता है, बेंजीन आ सकता है। ये जो बेंजीन है, ये हमारे लिए, बेंजीन का अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन भी एक ऐसी चीज है कि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या देना चाह रहा है। अगर उसने पीए नोट की वैल्यू दे दी, भले वो कम आ रही है बेंजीन के लिए, तो वो कहाँ चला जाएगा, वोलेटाइल। और अगर उसने नहीं दी है तो वो कहाँ जाएगा, नीचे। इसलिए इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास सुक्रोज एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल का काम करता है जनरली, ठीक है, ऑल इज वेल। और इसके अलावा ज्यादातर नॉन वोलेटाइल पता है क्या होते हैं आपके पास, सॉलिड होते हैं। इनका लिए तो 100% बोल सकते हैं कि भैया इनकी तो वेपर बननी नहीं है। जैसे ऑल सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट हैं, NaCl, KCl, अमोनियम क्लोराइड, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सॉल्ट्स का काम करेंगे, और ये यहां पर नॉन वॉलेटाइल ही रहेंगे। ऑल सॉल्ट्स, एसिड्स और बेस, जैसे H2SO4, HNO3, ये सब हमारे लिए नॉन वॉलेटाइल। और बेस बहुत सारे होते हैं जिसकी वेपर नहीं बनती है, COH2, क्या वेपर बन के बाहर चल जाएगा, या NaOH2, तो ये NaOH, ये क्या हो जाएंगे, नॉन वॉलेटाइल रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो एसिड भी ले सकते हैं आप, H2SO4 वगैरह वगैरह स्ट्रॉन्ग। तो ये आपके पास आ रहा है वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल के बारे में कंसेप्ट। अब ये तो मैंने अभी तक बताया कि भाई नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल क्या होते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं। मैं तो आपको फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर उस एग्जामिनर ने पीए नोट, मतलब जो भी लिक्विड है आपने सोच रखा था वो वोलेटाइल होगा, ठीक है, और उसने पीए नोट नहीं दे रखा, उसके बगैर काम नहीं चल रहा, इसका मतलब वो क्या लेने की कोशिश कर रहा है, वो लेने की कोशिश कर रहा है कि वो नॉन वोलेटाइल होगा। दूसरा, अगर इनके लिए तो श्योर है हम, ठीक है, और अगर उसके लिए आपको हमने सोच रखा था नॉन, इसके लिए भी श्योर हूं मैं, ठीक है, हमारी लाइन किसके लिए होती है, बेंजीन, ग्लूकोज, इनके लिए। तो यहां अगर उसने उनके लिए इस जगह पीए नोट दे दिया तो इसका मतलब वो वोलेटाइल मान रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकी वेपर बहुत कम बनती है। अब बहुत कम बनती है तो कई बार वो टेंस टू जीरो हो जाती है या नहीं होती, उस पर लड़ाई हो रही है। चलिए छोड़ो, इससे ज्यादा बहस नहीं करनी है, सब कुछ एग्जामिनर पे डिपेंड करना है, अपन को तो कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है। तो वो कॉन्सेप्ट्स हमने दे दिया कि हाँ ये है, लेकिन आगे अभी हमारा कॉन्सेप्ट्स बाकी, और वह हमारा कॉन्सेप्ट्स क्या है, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी, कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल है, तो वर्क कैसे करेगा। तो आप बाय राउट्स लो लगाइए, राउट्स लो क्या बोलता है, राउट्स लो बोलता है, क्या बोलता है, पी टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब ये वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो। तो ये वैल्यू कुछ भी हो, उसका मोल फ्रैक्शन कुछ भी हो, ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो पी टोटल की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ, पी ए नॉट एक्स ए, बोलो हाँ या ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी टोटल का मतलब पी ए ही हो गया इस जगह, और इस जगह ही हमारी लड़ाई शुरू हो रही है कि क्या हम इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पी टोटल लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा, और पी ए नॉट को मैं पी ए नॉट ही लिखूंगा, लेकिन एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस XB भी लिख सकता हूं, बोलो क्लियर है। और अगर मैंने यहां पर ऐसा लिखा तो मेरे पास कुछ और तरह के फॉर्मेट बनने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस XA की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पी टोटल, पी टोटल को PT लिख देता हूँ, पी ए नॉट हमारे पास आ गया, और मैं इस चीज को अलग अलग फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूँ। यहां पर मेरे पास एक और फॉर्मेट हमारे पास आ रहा है, और वो ये है हमारे पास कि अगर मैं इस चीज को फॉर्मेट में लेना चाह रहा हूं, कैसे, देखिए, तो यहां हमारे पास पी टोटल पी ए नॉट 1 माइनस दिस, बोलो क्लियर है। तो मुझे क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पर एक्स ए की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। ये पी टोटल है, माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा यहां पर, डिवाइड, पी ए, बिल्कुल क्लियर है, पी ए नॉट ये वहां डिवाइड होगा। अब मैं चाह रहा हूं इसको आगे उधर ले जाना, तो मेरे पास एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी टी अपॉन पी ए नॉट माइनस, तो ये देखिए
ये वाली वैल्यू उस तरफ जा रही है और ये वाली वैल्यू इस तरफ आ रही है, तो ये वन माइनस इस तरह से होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह, जल्दी से बताइए, पी ए नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी ए नॉट, इज दैट क्लियर? तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए नॉट माइनस पी टोटल को मैं पी एस लिख देता हूँ, कोई मेरे को मना थोड़ी ना करेगा, एस का मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, वही पी टोटल होता है, तो एक तरह से आपके पास सॉल्यूशन हो गया। और ए क्या हो गया आपके पास, एक मिनट, इन दोनों को हम लिख देते हैं एक साथ ही पूरा ढंग से, तो एक्स ए को क्या लिखोगे आप, सॉल्यूट, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, और ये पी ए नोट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, पी ए नोट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट नॉट, और पी टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन, तरीके से लिख लीजिए, और पी ए क्या हो जाएगा आपके पास, पी ए ही रखने दो, या पी ए को आप क्या बोलोगे यहां पर, पी ए इस जगह हमारे पास, बिल्कुल सही है, पी ए नोट ही कहलाएगा वो, और ये हमारे पास हो जाएगा इस जगह, हम क्या बोलेंगे, पी नॉट सॉल्वेंट, तो ये हमारे पास आ चुका है एक्स सॉल्यूट इक्वल टू दिस, बोलो क्लियर, क्लियर है? तो हमारे पास जो पहले सॉल्वेंट था आज सॉल्यूशन है, इसको क्या बोल सकता हूं, डेल्टा पी, डेल्टा पी यानी कि लॉस इन प्रेशर, और ये हमारे पास आ गया पी, बिल्कुल पी नॉट, सॉल्वेंट को पी नॉट, और एक्स सॉल्यूट हमारे पास आ चुका है, ये एक और प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट, और इस रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यस क्लियर है, लिखिए इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दोस्तों यहां हमारे पास क्या हो रहा है, एक मिनट, यहां हमारे पास एक्स बी हो रहा है, और एक्स बी हमारे पास यहां है, एक्स बी हमारे पास यहां है, बिल्कुल सही है, और एक्स बी ही सॉल्यूट है, और तो खैर कहां हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। देखो यहां हमारे पास P टोटल, पी ए नोट वन माइनस एक्स बी लिख सकता हूं मैं, यस और नो, ये वाली चीज को मैं डिवाइड कर दिया, कर सकता हूं, पी ए नोट को मैं वहां ले गया, एक्स बी की वैल्यू क्या हो सकती है, मैं मेरे पास ये उस तरफ गया, ये इस तरफ आया, तो वन माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट हो गया, इसको मैं इस तरह से लिख दिया, माइनस को उधर ले लिया, एक्स भी है क्या हमारे लिए, सॉल्यूट, ए यहां पर सॉल्वेंट है, तो जहां जहां ए है वहां सॉल्वेंट, जहां जहां ए है वहां सॉल्वेंट, जहां जहां बी है वहां सॉल्यूट, और जहां पी टोटल है वहां पर सॉल्यूशंस। अब आपके पास ये हो गया, इन दोनों के डिफरेंस को मैंने डेल्टा पी लिख दिया और पी नोट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो आप मुझे बताइए डेल्टा पी अपने आप में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, उसके अंदर जैसे ही डालेंगे, क्योंकि प्योर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप उसमें नॉन वॉलेटाइल डालेंगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो ये जो डेल्टा पी है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा ये लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वैसे भी अपन इनिशियल माइनस फाइनल जब भी करते हैं तब हम बोलते हैं लॉस, और जब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तब बोलते हैं प्रॉफिट, आ रही है बात समझ में, ये अपने रिलेशंस बनाया, ये फिर ध्यान से सुनना, ये पूरा रिलेशंस किसके लिए, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए, मिक्सचर के लिए, और इस जगह मेरे पास ये जो पी ए नोट है ये वोलेटाइल के लिए डिफाइन हो रहा है, यानी कि सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए, और ये जो हमारे लिए ये है नॉन वोलेटाइल के लिए, मिक्सचर में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों है, दोनों नॉन वोलेटाइल हो जाएंगे नहीं एप्लीकेबल होगा, दोनों वोलेटाइल हो जाएंगे नहीं लगेगा, ये है वॉलेटाइल के लिए, ये है नॉन वॉलेटाइल के लिए, और एक दूसरे पे कमेंट मार रहे हैं, टिंग टोंग, क्लियर है? तो ये कमेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब भी एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो अब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बन सकती है, एक और चीज, अगर वॉलेटाइल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ही टेम्परेचर दे रखा है, तो यहां पर पी बी नोट, पी जो भी पी नोट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 760 टोर। तो ये जो पी नॉट है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, डिपेंड्स ऑन विच, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी नॉट की वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये कॉन्स्टेंट है, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है जैसे ईथर, तो ये पी ए नॉट की वैल्यू सेम टेम्परेचर पर क्या होगी, वाटर के कंपेयर में ज्यादा होगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया,
ये क्या है, एक तरह से डिफाइंड फॉर वोलेटाइल लिक्विड एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लिखेंगे ये जल्दी से, डिफाइंड फॉर वोलेटाइल एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और ये हमारे लिए नॉन वोलेटाइल है, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो मास है एक तरह से, मोल ऑफ सब सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो मोल किससे निकलते हैं, मास से निकलते हैं, तो उससे मुझे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही इस पूरे सिस्टम का, बाइनरी सिस्टम का, जिसमें एक वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये चीज़ बढ़ जाएगी, नहीं, पक्का ये बढ़ जाएगी, नहीं, आपके लिए क्या चीज़ बढ़ेगी, आपके ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, पक्का, तो ओवरऑल ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बढ़ेगा या बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो बस यही चीज़ है कि आपके पास ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या ये पूरा चेंजेज हो सकता है सिस्टम, हाँ होगा, अब वो पूरा सिस्टम अपने आप में बढ़ेगा या कम होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि टेम्परेचर हमेशा इस तरह के क्वेश्चन बनाते वक्त क्या रखना पड़ेगा आपको, कॉन्स्टेंट, जिस टेम्परेचर पे आप ये निकाल रहे डेल्टा पी, उसी टेम्परेचर पे आपको पी ए नोट की, यानी पी नोट की वैल्यू दी जाएगी, कुछ समझ में आया, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप क्वेश्चन के चलते चलते ऐसा नहीं कर सकते कि टेम्परेचर चेंज कर दें, और एक और काम नहीं कर सकते, पता है ये चीज़ जब मैंने बनाई है तो दोनों एक दूसरे में मिक्स होने चाहिए, यानी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल अगर मिक्स नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अगर आपने ये एक सिस्टम बनाया और आपने कह दिया हम वाटर में AgCl बना रहे हैं, तो बताओ क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा भाई, पी टोटल, फिर पी टोटल, क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए डिफाइन ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है, तो उस जगह पी टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट का प्रेशर है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट का रोल तभी होगा जब वो उसके अंदर डिजोल्व हो, डिजोल्व हो, इज दैट क्लियर, पक्का। तो यहां पर दोनों का, हमारे लिए दोनों का मिक्स होना बहुत जरूरी है, क्या है, क्या बोला मैंने, मिलना बहुत जरूरी है, इज दैट क्लियर। इधर देखो, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि देखिए हमारे, हमने राउट स्लो पूरा अच्छे से कर लिया या नहीं करा, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप खुद करिएगा, ठीक है। देखिए अब बात आती है कि हम जब सॉल्यूशंस को बात कर रहे हैं, तो हमने तीन तरह के सॉल्यूशन बना दिए, कैसे, एक दो तीन, यानी हमने सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन इस तरह से कर दिया कि एक हो गया वॉलेटाइल, एक हो गया नॉन वॉलेटाइल, वो तो हम कर ही चुके थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसा जो राउट स्लो को फॉलो कर रहा है और एक ऐसा जो राउट स्लो को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए हो गया आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस, और एक हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और एक और हमारे पास हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, लेकिन ये दो बार नॉन आइडियल सॉल्यूशंस लिखने का क्या मतलब था, एक हो रहा है पॉजिटिव डेविएशंस और एक नेगेटिव डेविएशंस। तो पहले समझ लीजिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, जो राउट स्लो को फॉलो करे, कैसे शो कर रहे हैं, लिखते जाओ विच फॉलोस, मेरे पास टाइम नहीं है अलग से लिखाने का, विच फॉलोस राउट स्लो, कैसे राउट स्लो को फॉलो कर रहे हैं जल्दी से लिखिए, इनका यानी कि पी टोटल की वैल्यू जो होगी वो वही होगी जो राउट्स बोल रहा है, पी ए एक्स, चलिए ठीक है मुझे मालूम है, जहां पूछूंगा मैं आपको से पूछ लूंगा, तो ये चीज क्लियर है। अब आपके पास अगर एक और चीज है पी ए, ये पी ए और ये पी बी हो गया, तो ठीक है, तो कर्व जब बनाते हैं तो इसका कर्व बनाने का भी अपना एक अलग ही स्टाइल है, मान लीजिए यहाँ एक्स ए की वैल्यू 1 है और मान लीजिए यहाँ एक्स ए की वैल्यू कितनी है 0, क्लियर है, यहाँ एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ एक्स ए की वैल्यू क्या है मान ली 0, तो बताइए जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी 0 और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1, पक्का। तो यहां आपके पास पी जो आपके पास आ रहा है वो इस तरह से चलेगा, या सुनो नहीं कैसे चलेगा, पहले बात करते हैं अपन पी ए की, सिर्फ पी ए की, तो पी ए की वैल्यू इस तरह से चलेगी, क्योंकि पी ए का फॉर्मेट आपको मालूम है क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू 1 थी और एक्स ए की वैल्यू 0 थी, बोलो क्लियर है। और दूसरी तरफ तो बताइए यहां ये वाले इस जगह एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये पॉइंट पी
ए नॉट कहलाएगा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो कहीं से अगर हम एक्स ए वाला कर्व बना लिया तो क्या हम ये भी बना सकते हैं, ये क्या बताएगा पी बी की वैल्यू, पी बी नॉट और ये क्या हो जाएगा एक्स बी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो ए के साथ था, ये बी के साथ है। यहां पर धीरे धीरे बढ़ेगा, शुरुआत में एक्स बी की वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी जीरो, और फाइनल कहां पर अटकेगी पी बी नॉट पे। या सुनो, तो हमारा जो पी टोटल है जिसको हम पी टी शो कर रहे हैं या पी सॉल्यूशन शो कर रहे हैं वो इन्हीं दोनों कर्व के समेशन के इक्वल होगा। तो एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का समेशन होके, इन दोनों लाइन का समेशन होके ऐसे बनेगा। ऊपर वाली लाइन क्या बता रही है पी टोटल को, बाकी की दोनों लाइनें पी ए और एंड पी बी को बता रही है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है और वो ये है कि भैया राउट्स लो को फॉलो करेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी और पी टोटल इस तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर राउट्स लो को फॉलो नहीं करा तो नॉट फॉलोज द, लिख लीजिए नॉट फॉलोज राउट्स लो। तो राउट्स लो अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, दो बातें होगी, या तो ये पी टोटल राउट्स लो से निकाला हुआ वैल्यू से ज्यादा होगा या फिर क्या होगा कम होगा। तो ज्यादा हो गया तो पी ए एक्स ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी से ज्यादा होगा। या सुनो, इवन यहां पर पी ए की वैल्यू भी पी ए नॉट एक्स ए से ज्यादा होगी और पी बी नॉट की भी वैल्यू, एंड पी बी की वैल्यू भी पी बी नॉट एक्स बी से ज्यादा होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? तो ज्यादा होगी तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, इस जगह हम सोच रहे थे, हम डायरेक्ट ये लाइन तो हम बना ही चुके, हम सोच रहे थे कि ये आएगा कर्व, बोलो यस और नो, लेकिन कर्व क्या आ जाएगा एग्जैक्ट कुछ ऊपर आएगा पी ए और पी बी नॉट। ये तो हमारे पास है, यहां पर एक्स ए की वैल्यू कितनी है वन, एक्स बी की वैल्यू कितनी है जीरो, एक्स ए की वैल्यू कितनी है जीरो, एक्स बी की वैल्यू क्या है वन। क्लियर है? तो ये तो ज्यादा होगी और ये टोटल पी टोटल होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कर्व जब भी इस यहां टच करेगा पी ए नोट को बताएगा, यहां टच करेगा पी बी नोट को बताएगा। एक और चीज है जो मैंने छुपा ली है, आपको बताना चाह रहा हूं वापिस, कि मैंने ये चीज ऊपर बनाई है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अलग ही पॉइंट बन के आ रहा है आपके पास। इसका मतलब मैंने ये लिया है पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, तो बताइए इसका मतलब कौन ज्यादा वॉलेटाइल होगा, ए, और बी कम वॉलेटाइल होगा। अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ये तो होगा, जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये दिमाग बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं ये, और हमसे पूछा जा सकता है विच इज मोर वॉलेटाइल ए, विच इज लेस वॉलेटाइल बी, विच हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट बी, विच हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट ए। तो ये सब चीजें हो गया। अब तो बचा नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशंस। तो देखिए नॉट, ये भी नॉट फॉलोज बिल्कुल वो का वही राउट्स लो, और पी के वैल्यू बस यहां पर क्या होगी, कम होगी। तो कुल मिला के आपके पास ये वैल्यूज इस तरह से लिख लीजिए बहुत इजी वे में कि कम हो रही है, और इंडिविजुअली पी ए की वैल्यू भी कम होगी, पी ए नॉट एक्स ए नॉट, और दूसरा ये पी बी की वैल्यू कम होगी पी बी नॉट हाँ एक्स बी से। तो ये दो पॉइंट्स आपको पकड़ के चलने, और कर्व जो बनेगा ना, तो आप मान के चलिए ये कर्व है आपके पास, ये एक्स ए की वैल्यू वन, एक्स बी की वैल्यू जीरो, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू जीरो और एक्स बी की वैल्यू वन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा और ये चीज इस तरह से चलेगी। इज दैट क्लियर? तो ये आपको बिल्कुल सही है पी ए नॉट, और ये पी बी नॉट की वैल्यू बताएगा और नेगेटिव डेविएशन आएगा। हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमसे ये कुछ भी बकवास नहीं पूछी जा रही, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक तो कौन से इसको फॉलो करेंगे, कौन से इसको फॉलो करेंगे, कौन से इसको फॉलो करेंगे, ये क्वेश्चन ये आता है। और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होगी, जनरल प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है, सुनना यही पूछा जाएगा, तो हर चीज यहां पर क्या होगी जीरो, यानी कि डेल्टा वी जीरो, ये तो आपके पास डेल्टा वी जीरो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, ये डेल्टा वी जीरो है, डेल्टा एच जीरो आएगा, एक ऐसी चीज जो पॉजिटिव आ रही है वो है, नेगेटिव आ रही है वो है डेल्टा जी नेगेटिव, क्योंकि कोई भी दो चीजें मिलती है
स्पॉन्टेनियस मिलेगी, और जब स्पॉन्टेनियस मिलती है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव. और ये दोनों ही चीजें बताती है डेल्टा एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनिटी को और डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनिटी को. वैसे भी डेल्टा जी और डेल्टा एस एक दूसरे के क्या होते हैं, यहां पर अपोजिट साइन होते हैं. तो ये अपने चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, ये चारों में से हो सकता है. अच्छा, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशंस, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा यहां पर, पॉजिटिव. आपको तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर डेल्टा वी पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैं समझाऊंगा. और डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा यहां पर, पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? तो ये डेल्टा वी पॉजिटिव और इसका मतलब क्या होता है, हम इस पर एक बार और डिस्कस करेंगे. डेल्टा जी नेगेटिव, उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि आइडियल है या नॉन आइडियल है, बस ये एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे. अगर मिक्स हो रहे हैं तो आपके ये दो फॉर्मेट हो गए. और यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव. डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव. बाकी की दो वैल्यूज, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव. तो ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हो. अब बात आ रही है कि डेल्टा वी का मतलब है क्या, तो मैं बता दूं, आपने एक लीटर ए मिलाया और एक लीटर बी मिलाया, तो कायदे से कितना होना चाहिए था, दो लीटर. दो लीटर हुआ राउट्स, दो से 2.05 लीटर हो गया, पॉजिटिव. 2.05 हो गया, पॉजिटिव. 1.95 हो गया, नेगेटिव. ऐसा नहीं कि आपने दो लीटर मिलाया, एक एक मिलाया और आपके पास डेढ़ ही रह गया, नहीं, बहुत कम होता है. मुश्किल से ये वैल्यू हो सकता है 1% या उससे भी कम हो, ठीक है. अब डेल्टा एच का क्या मतलब है समझो. डेल्टा एच का यहां मतलब होता है कि आपने दो चीजें मिलाई, लिक्विड ए में लिक्विड बी मिलाया, पता चला जो टेम्परेचर था ए और बी का, सपोज मान लीजिए 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड था, लास्ट में भी 10 ही आ रहा है, इसका मतलब हीट ना एब्जॉर्ब हुई है ना रिलीज हुई है, तो इसका मतलब डेल्टा एच जीरो है. अगर दोनों 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड है और दोनों 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने मिलाया और पता चला यार फाइनल टेम्परेचर आपका इस जगह 10 की जगह 7 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब कर ली उसने, तो डेल्टा एच पॉजिटिव. हीट एब्जॉर्ब करी उसने और यहाँ पर 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले दो लिक्विड मिलाए, लेकिन पता चला भैया ये तो 10 से बढ़कर 20 हो गया या 15 हो गया, तो इसका मतलब हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव हो जाएगा. देखो तीनों बात आती है, एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन तो होंगे, बताए ये तीनों क्लासिफिकेशन, जीरो डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उस जगह डिफाइन हो रहे हैं जब दो बाइनरी सॉल्यूशन है और दोनों वोलेटाइल हैं. समझ में आ रहा है, दोनों वोलेटाइल होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस तरह का डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको यही तो बोला है पी टोटल समेशन पी टोटल से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है. तो ये सिस्टम में अगर दोनों वोलेटाइल हैं और अब यहाँ पर ये बात हो रही है, दोनों का एक दूसरे में मिक्स होना भी बहुत जरूरी है, दोनों वोलेटाइल होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन तीसरी बात ये आ रही है कि ए ए जो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बिटवीन ए, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आपके पास ए ए के बीच में है, वही आपके पास बी बी के बीच में है, और वही आपके पास किसके बीच में है, ए बी के बीच में है. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस जगह, जल्दी से बताओ, बिल्कुल वही लगेगा. तो इस जगह आपके लिए क्या हो जाएगा, जीरो डेविएशन, यानी कि 100% फॉलो करेगा राउट्स लो को. और इस जगह ए ए ने बॉन्ड टूटा और ए बी के साथ बना लिया, तो उसे पता ही नहीं चलेगा, तो डेल्टा एच भी क्या रहेगा, जीरो. तो यहाँ आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. और ऐसे सॉल्यूशंस कौन से होते हैं जिनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ लगभग लगभग बराबर हो, एग्जैक्ट बराबर तो नहीं हो सकती, यानी 100% आइडियल तो नहीं हो सकता, लेकिन 99% आइडियल को भी हम आइडियल ही बोल रहे हैं. तो इसका मतलब दोनों लगभग लगभग एक ही जैसे लिक्विड होंगे, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होंगी या इक्वल होगी, या वांडरवाल बॉन्ड है तो दोनों में ही इक्वल होगा. तो ऐसे जनरली हमारे पास क्या होते हैं एक दूसरे के, वो होते हैं क्या कहते हैं, होमोलोगस मेंबर. जैसे आपके पास हो गया बेंजीन टॉलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, या आप मान लो एन हेप्टेन प्लस आइसो हेप्टेन, इस तरह से आप इन सबको डिफाइन कर सकते हो कि यार ये आइडियल होंगे या नहीं होंगे. तो ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, आइडियल हो जाएंगे. या मैं यहां पर ले सकता हूं इसी तरह से मिलते जुलते एग्जांपल, C2H5Br प्लस या एंड C2H5Cl या आयोडीन, कुछ इस तरह का मैं ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, आइडियल सॉल्यूशंस. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशंस की, पॉजिटिव डेविएशंस में आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे देखोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखोगे ए ए के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, इस तरह से समझिए, बनने वाला बॉन्ड ए बी के बीच में बनने वाला बॉन्ड किससे
मजबूत है या वीक हो गया, वीक हो गया किससे, ए से भी वीक हो गया और बी बी से भी वीक हो गया। तो जब बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक होगा तो फिर क्या करेगा वो, वेपर ज्यादा बनाएगा, वेपर ज्यादा बनाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा मतलब जो पी टोटल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, उम्मीद से ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो यानी कुल मिला के ए और बी बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहते। तो ऐसा कब होगा, जब ए और बी आपस में बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ खुद के साथ ही बनाना चाहते हैं। ऐसा तब होगा जब दोनों वोलेटाइल तो होंगे, लेकिन एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, तो एग्जाम्पल बनने के लिए मैं कुछ याद करा रहा हूँ। जब भी आपको एल्कोहल वाटर दिखे, एल्कोहल वाटर, तो आप इसी तरह के ले लेना, एल्कोहल वाटर सिस्टम। इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल बनेंगे C2H5OH प्लस H2O, CH3OH प्लस H2O, ये हमारे पास अल्कोहल और वाटर वाला सिस्टम जब भी आएगा आपको ये देखना है। और खास तौर पे ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि क्या और कौन सा एग्जांपल होगा, क्लोरोफॉर्म और CCl4 एंड CHCl3, ये भी अपने आप में मस्त है, ये अपने से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ये भी अपने से बॉन्ड बनाएगा ज्यादा, लेकिन जब आपस में बनाने की कोशिश आएगी तो वीक पड़ जाएगा। तो ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव डेविएशंस। अब बात आती है नेगेटिव डेविएशंस की, तो ध्यान से सुनिए, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हो रहा है कि आपस में इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बन रहा था जितना दूसरे के साथ बन रहा है। तो फिलहाल बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो ए और बी आराम से बढ़िया सा बॉन्ड बनाएंगे एज कम्पेयर टू ए ए और एज कम्पेयर टू बी बी, सही है ना। यानी दो लड़कों के बीच में दोस्ती या दो लड़कियों के बीच में दोस्ती, लड़के लड़की की दोस्ती ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो जब ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव डेविएशंस, और अगर कम हो गई तो पॉजिटिव डेविएशंस। तो यहां क्या आएगा, बस अल्कोहल, अल्कोहल लेता है, देखो अल्कोहल लेता है तो वो वाली चीज होगी, लेकिन अल्कोहल की जगह एसिड डाल दूंगा, बस फिर तो क्या है, लड़के लड़की के बीच की दोस्ती में क्या हो जाएगा, एसिड का काम करेगा, एसिड का काम करेगा, तो एक एसिड और वाटर बस क्या करेगा, डरने वाला ही काम है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। यानी आप ही मेरे को बताइए, HNO3 प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन, CH3COOH प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन, बोलो यस और नो। अच्छा, यही जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 एसीटोन के साथ आ गया तो भी नेगेटिव डेविएशन, इज दैट क्लियर। तो यहां आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिए, आप लिखते चले जाएं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है।